देख रहे हैं sabkihindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता के एक्स हैंडल से रात करीब 2 बजे ये ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में ईडी को टैग भी किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा था। नेता विपक्ष ने कहा था कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का एक और नाम होता है पद्मव्यूह, और 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी कमल के फूल की शेप में, और आज भी चक्रव्यूह को 6 लोग नियंत्रित कर रहे हैं। आज के चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी नियंत्रित कर रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और अब कांग्रेस की सरकार ने राज्यपाल को औपचारिक तौर पर सलाह दी है कि ये कारण बताओ नोटिस वापस लिया जाना चाहिए। दरअसल नोटिस में मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए कहा गया है कि मैसूरू भूमि आवंटन मामले में अभियोजन को मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जिस पर कांग्रेस मंत्रिमंडल का कहना है कि नोटिस में कई कानूनी खामियां हैं। कारण बताओ नोटिस को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की एक बैठक भी बुलाई गई थी। सिद्धरमैया ने बैठक से खुद को अलग कर लिया क्योंकि आरोप उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर लगाया गया था। बता दें कि राज्यपाल ने सिद्धरमैया को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था और कल 7वां दिन था। साथ ही बता दें कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ साल पहले मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पार्वती को विजयनगर में 14 साइटें आवंटित की गई थी। उस वक्त सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे। उन्हें ये साइटें 3.16 एकड़ जमीन के बदले में दी गई थी, जिसे मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध रूप से अधिग्रहित कर लिया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मिले कारण बताओ नोटिस पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि इसमें अवैध क्या है, जब प्राधिकरण का चेयरमैन बीजेपी से था तब सैकड़ों साइटें मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 50-50 फॉर्मूले पर दी थी। यहां तक कि जेडीएस नेताओं को भी ऐसी कई साइटें इसी तरह मिली थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी एक खास स्थान पर साइटें चाहती हैं, उन्हें जो भी मिला उन्होंने उसे मंजूर किया। उनके पति उस वक्त सत्ता में नहीं थे, उस समय बीजेपी सत्ता में थी। शिव कुमार ने पूछा कि यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि उसने 1 अगस्त 2024 को धारा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 आईपीसी और इसके मूल अपराधों के तहत 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक इन 13 अभियुक्तों के नाम नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार 1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार 2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, आयुष राज और शिवनंदन कुमार हैं। प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि सीबीआई अन्य आरोपियों और संदिग्धों के खिलाफ मामले के अन्य पहलुओं पर आगे की जांच भी जारी रखे हुए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं की कल गुरुवार को एक बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। हमने राजेंद्र नगर में हुई हाल ही की घटनाओं पर चर्चा की, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई और मयूर विहार में एक माँ और बेटे की मौत हो गई। हमने दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर भी चर्चा की। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हर नेता पार्टी के अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेगा और अपने काम और भविष्य की योजनाओं को दिल्ली की जनता तक ले जाएगा। आप सांसद ने बताया कि आतिशी ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की पहल की है। हमने 10 छात्रों के नाम मांगे हैं, जिन्हें पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और नया कानून विधानसभा में पारित किया जाएगा। हम नाजायज फीस स्ट्रक्चर, सरप्लस हॉस्टल चार्ज, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर नियंत्रण करेंगे। हम छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा और न्यायपूर्ण कोचिंग सेंटर सुनिश्चित करेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति को लेकर उठाए गए सवाल पर विवाद जारी है। इसी कड़ी में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी पहले पत्रकार से पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, अब जब लोगों ने उनकी जाति पूछी तो बोले कि हमारी जाति क्यों पूछते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना जाति पूछे जातीय जनगणना होगी क्या, वो बोलते हैं मैं जातीय जनगणना करवा कर रहूँगा लेकिन अपनी जाति नहीं बताऊँगा, ये कैसे होगा। सीएम ने कहा कि अगर गणना होगी तो राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अधिकारियों को राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और पेड़ सराय में मृतक छात्रों के नाम पर 4 पुस्तकालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। शैली ओबेरॉय ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चीन की खिलाड़ी हे बिंग जियाओ से हारकर पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। भारत को पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु से पदक की उम्मीद थी। उन्होंने इससे पहले रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में महिला एकल राउंड ऑफ 16 के बैडमिंटन मैच में पीवी सिंधु चीन की हे बिंग जियाओ के खिलाफ 19-21 और 14-21 से मैच हार गई। वहीं गुरुवार को ही भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल राउंड ऑफ 16 मैच में अपने हमवतन एचएस प्रणॉय को हराकर अगले राउंड में एंट्री कर ली है। इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल स्पर्धा में मैच हारकर पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीतने पर मध्य रेलवे के खेल प्रकोष्ठ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।